नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों कल जो है वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में एक हादसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ पैन स्टोक्स को जो गेंद लग के बाउंड्री गई, वहाँ पे जो है इंग्लैंड की टीम को कुल 6 रन मिले थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो है असल में उनको कुल 5 रन मिलने चाहिए थे। तो भाई ये जो कंफ्यूजन है कैसे क्रिएट हुई, और जो 5 बार के आईसीसी जो उनके चैंपियन थे, जो कि अंपायर थे साइमन टफल, दोस्तों उन्होंने जो है इस मुद्दे को ऊपर उठाया और कहा है कि इंग्लैंड को जो है उस 6 रन के बदले में मात्र 5 रन मिलने चाहिए थे। तो भाई ये पूरा माजरा क्या है, ऐसे जो सवाल है वो क्यों उठ रहे हैं, आपको जो है वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको जो है एक लाइक करना है, शेयर करना है, क्रिकेट के फैन हो तो सब्सक्राइब भी पक्का तौर पे कर लीजिए। दोस्तों ये बात जो है मैं नहीं, 5 बार के आईसीसी अंपायर चैंपियन जिनका नाम है साइमन टफल, दोस्तों उन्होंने जो है इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि जो गेंद बैन स्टोक्स को लग के बाउंड्री पे गई थी अंतिम ओवर में, वहां पे जो है इंग्लैंड की टीम को कुल 6 रन मिले थे। लेकिन उस दरअसल में जो है अगर आप सभी क्रिकेट के नियम 19.8 को गूगल पे सर्च करोगे, जहाँ पे जो है अपने पूरे क्रिकेट का नियम है, लॉ है 19.8, उसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि अगर दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जो सेकंड रन के लिए जा रहा है और दोस्तों अगर वो गेंद लग के बाउंड्री पे जाती है उस बैट्समैन को, तो दोस्तों वहां पे जो है उस खिलाड़ी को 5 रन मिलते हैं। आपको बता दूं ये नियम कैसा है। दोस्तों यहां पे जो है बैन स्टोक्स ने गेंद मारी और दोस्तों जो मार्टिन गप्टिल थे, दोस्तों उन्होंने जो है गेंद को रिलीज किया और रिलीज करने के वक्त जो है बैन स्टोक्स और उनके जो सामने पार्टनर थे वो दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए थे, और उसके बाद जो है गेंद बैन स्टोक्स को लग के बाउंड्री पे गई। दोस्तों ऐसे में जो है सिर्फ उनको 5 रन मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है सेकेंड रन को कंप्लीट नहीं किया था जबकि गेंद फेंक दी गई थी। तो दोस्तों ये था पूरा माजरा, लेकिन जो अंपायर थे उनके द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई, वहां पे जो है कुल उनको 6 रन दे दिए 2 रन कंप्लीट करने के और 4 रन ओवर थ्रो के। लेकिन दोस्तों ऐसा जो है नहीं होता है, जो क्रिकेट का रूल है वहां पे यही है, अगर बैट्समैन ने क्रॉस नहीं किया है सेकेंड रन के लिए और जो गेंद है बैट्समैन को लग के फोर चली जाती है, तब जो है उनको टोटल 5 रन मिलते हैं बल्कि 6 नहीं मिलते। दोस्तों हमने जो है साफ साफ देखा था कि जब भी जो है मार्टिन गप्टिल ने गेंद को रिलीज किया उस समय पे जो है बैन स्टोक्स ने क्रॉस नहीं किया था, वो जो है सिर्फ 1 रन कंप्लीट कर पाए थे, उसके बाद जो है बैन स्टोक्स को लग के जो गेंद थी वो बाउंड्री पे गई थी। तो यहाँ पे जो उनको 5 रन मिलने चाहिए थे, लेकिन गलती से जो है अंपायर की इतनी बड़ी भूल हो गई, अंपायर को जो क्रिकेट का जो नियम था जो लॉ था वो दोस्तों अच्छे से समझ में नहीं आया, जिसके चलते जो है उनको 6 रन का फायदा हो गया। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, इसके ऊपर जो है आप सबकी क्या राय है सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। आगे जो है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।